नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ मनीषा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों का। कुशीनगर के रमकौला थाने के सपहा स्थित मदरसा अरबिया इरसुल्लादुल अलूम में आबकारी विभाग, स्वॉट और रामकौला थाने की संयुक्त टीम ने छापेमारी की है। वहीं छापेमारी के दौरान मदरसे से शराब बनाने का सामान भी बरामद कर लिया गया है। साथ ही साथ भारी मात्रा में रैपर और स्क्रिप्ट बनाने जो बरामद किया गया है, तो छापेमारी में देशी शराब बनाने लगने वाली जो शीशी भी है वो भी बरामद कर ली गई है। वहीं पुलिस ने मदरसा प्रबंधक समेत 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी कर दी है। मदरसा प्रबंधक समेत 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और 1 मौके से फरार होने में कामयाब रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। मदरसा प्रबंधक समेत 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज है, जिसमें पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और 1 मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो भारी मात्रा में रैपर बरामद किए गए हैं। मदरसे से शराब बनाने का पूरा सामान और सामग्री बरामद किया गया है। तो भारी मात्रा में रैपर बरामद किए गए हैं मदरसे से। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा और गंभीर मामला इसीलिए हो जाता है क्योंकि मदरसे से ये शराब बनाने का जो सामान है वो बरामद किया गया है। हालांकि पुलिस और स्वॉट टीम जो है वो छापेमारी कर रही है और अलग अलग जगहों पर ऐसी कोई अगर छापेमारी कर रही है कि ऐसे कोई मामले और सामने आ रहे हैं तो उनको भी उन पर भी संज्ञान लिया जा सकता है। और दीपक मिश्रा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, आपसे जानकारी चाहूंगी कि अब क्या कुछ ताजा अपडेट है जिस तरीके से छापेमारी मदरसे में की जा रही है। दीपक, आपसे ये जानकारी चाहूंगी कि अब ये जो छापेमारी की जा रही है, जो शराब बरामद की गई है, इसका सामान बरामद किया गया है, इसमें क्या कुछ ताजा जानकारी, क्या कुछ ताजा अपडेट? जी पूजा, अभी प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जो 5 लोग हैं उसमें से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बाकी 2 अभियुक्त अभी फरार चल रहे हैं। बाकी इनका पूरा रैकेट क्या है, कहाँ से ये सप्लाई होती थी, क्या कुछ है, इसके पीछे प्रशासन बिल्कुल लगी हुई है। लगातार जो फरार हैं अभियुक्त, तो उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। जी दीपक, और इसमें कितने लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं, क्या कुछ ताजा अपडेट, क्या कुछ कितने लोग, पुलिस का इस बारे में क्या कुछ कहना है, पुलिस पक्ष क्या कुछ? मदरसा प्रबंधक सहित 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 अभियुक्त अभी इसमें से फरार चल रहे हैं, जिनके गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगाई गई है, लगातार दबिश दी जा रही है। और इनके जो सहयोगी हैं, ये पूरा रैकेट कहाँ से चलता था, उस रैकेट का भंडाफोड़ करने के लिए प्रशासन लगातार प्रयास में है। जी दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बरामद किया गया है शराब, देशी शराब बनाने का जो सामान है, जो पूरी सामग्री है, वो मदरसे से बरामद की गई है। स्वॉट टीम जो है वो लगातार छापेमारी कर रही है, कहां से ये रैकेट शुरू हुआ और अब कहां कहां पर इनके जो पूरी गैंग है वो सक्रिय है इस पूरे मामले में, तो ये सारी पता लगाने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। स्वॉट टीम लगातार छापेमारी कर रही है और ऐसे ही रैकेट का पर्दाफाश करने की कोशिश लगातार जारी है। तो मदरसे से शराब बनाने का सामान और पूरी सामग्री बरामद की गई है। देशी शराब बनाने का काम यहां पर चल रहा था। भारी मात्रा में रैपर बरामद किए गए हैं, स्प्रीट बरामद किया गया है। तो कुशीनगर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मदरसे से शराब बरामद की गई है, शराब बनाने का सामान बरामद किया गया है। तो मदरसे से शराब बनाने की सामग्री, शराब बनाने का सामान बरामद किया गया है। भारी मात्रा में रैपर और स्प्रीट बनाने का जो सामान है वो भी बरामद किया गया है, रैपर बरामद किए गए हैं। हालांकि जो पुलिस है, स्वॉट टीम है, अधिकारी हैं, वो लगातार रैकेट का भंडाफोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा खुलासा करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये रैकेट कितनी जगहों पर सक्रिय है, कितनी इनकी गैंग जो है वो जगह जगह पर सक्रिय है। क्योंकि हो सकता है कि मदरसे में ये सामान बरामद किया गया है तो अलग और भी जगह ऐसी सामने आ सकती हैं, ऐसे और मामले सामने आ सकते हैं जहाँ पर ये गैंग सक्रिय रहे।
और वहीं अगस्त में बारिश का आफत बनी हुई है। पहाड़ों पर बरसात तो मैदानी क्षेत्रों में सैलाब आ रहा है। पहाड़ों पर बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। शहर शहर बाढ़ का भयानक कहर देखने को मिल रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक मूसलाधार बारिश का कहर लगातार जारी है। कहीं घर तो कहीं गाड़ियां बह रही हैं। मूसलाधार बारिश से नदियों से निकला हुआ रूप ले रहा है, तो नदियों ने जो है वो विकार रूप ले लिया है। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के ग्राम इक्कर खुर्द और ग्रामीण इब्राहिमपुर के बीच पड़ने वाली नदी में मूसलाधार बारिश ने नदी का विकराल रूप तेज बढ़ता नजर आ रहा है। और ये विकराल रूप तेज रफ्तार से पानी को पार कर मोटरसाइकिल चालक को भारी पड़ गया है, तो मोटरसाइकिल के साथ साथ खुद भी अभियुक्त नदी की तेज रफ्तार में पानी के साथ साथ बह गए हैं, तो ये काफी मुश्किलों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहाँ पर पहली तस्वीर किस तरीके से जो अस्त व्यस्त हो गई है पूरी, जो यहाँ पर प्रशासन पर भी सीधे सवाल खड़े होते हैं, जहाँ पर लोगों को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि प्रशासन जो है वो सरकार जो है वो लगातार वादे करती है कि हमने तो विकास किया है, लेकिन जब बारिश होती है, भारी बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है, तो सारी की सारी जो पोल है वो खुलकर सामने आ जाती है। दो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, जहाँ पर मूसलाधार बारिश के चलते लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और पानी कम होने का इंतजार करना पड़ रहा है। चमोली में भी लगातार बारिश ने लोगों के लिए परेशानी पैदा कर दी है, परेशानी बढ़ा दी है। भारी बारिश के चलते सड़क पर मलबा आने से हेलंग उर्गम मोटर मार्ग जाम हो गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इंतजार रजा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। इंतजार, आपसे जानकारी चाहूंगी कि अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लोगों को हमने देखा कि तस्वीरों में किस तरीके से लोगों को सड़क पार करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो इस वक्त ताजा हालात क्या कुछ बने हुए हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश के चलते जो बाढ़ का जो कंडीशन जो बनती है, तो पूरा पानी पहाड़ी क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र यानी हरिद्वार में पहुंचता है और हरिद्वार में 1% बाढ़ का रूप ले लेता है। तो उसी जैसे एक रप्टा टाइप था, तो उसमें जो बाढ़ का पानी है उसका तेजी से बहाव के साथ में दो युवकों को बहते हुए देखा गया। हालांकि कोई जनहानि नहीं हो पाई है और उन्हें जो है सकुशल लोगों की मदद से बाहर निकाल लिया गया। जी इंतजार, ये भी जानकारी चाहूंगी कि प्रशासन इस वक्त कहाँ है, क्योंकि लगातार लोगों को इतनी परेशानियों में देख प्रशासन को तो अलर्ट होना चाहिए, लेकिन प्रशासन के बारे में कोई भी जानकारी तरह की, क्योंकि लोग काफी ज्यादा परेशान है, तो लोगों ने प्रशासन तक ये बात पहुंचाई है, अधिकारियों तक ये बात पहुंचाई है? जी देखिए, मैं बता दूं, जो बाढ़ ग्रसित इलाके हैं हरिद्वार में, सबसे जो बाढ़ ग्रसित का जो इलाका है वो लक्सा क्षेत्र माना जाता है, और जहां जो अधिकारी हैं, अधिकारियों के द्वारा जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं और जो आधुनिक उपकरण सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के, वो बाढ़ जो क्षेत्र है उनमें पहले ही जो वहाँ स्थापित किए हुए हैं, और जो जिलाधिकारी हरिद्वार है उन्होंने जगह जगह निरीक्षण भी किया है बाढ़ ग्रसित इलाकों का। तो जो सुरक्षा सुविधाएं, जो टीम है वो रेस्क्यू के लिए वहाँ अलर्ट कर दी गई है, लेकिन जो ये हाल ही में जो देखने को मिला है कि हरिद्वार में एक गाड़ी सूखी नदी में बह जाती है, और कहीं बादराबाद क्षेत्र में दो युवक बाइक के साथ एक पानी के तेज बहाव में बह जाते हैं, तो अचानक एकदम से इस तरह के पानी गांव में घुसना, और कहीं ना कहीं लोगों की भी गलती है कि असावधानी के साथ लोगों ने ऐसे जो तेज बहाव में घुसना मुनासिब समझा और इस तरह की कंडीशन लोगों के सामने पैदा हुई। जी इंतजार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो लोगों को भारी दिक्कतों का, भारी परेशानियों का सामना इस दौरान करना पड़ रहा है, क्योंकि मूसलाधार बारिश और तेज बारिश जो है वो प्रशासन की पोल खोल देती है, और पूरा जो धरा का धरा रह जाता है, जो दावे होते हैं प्रशासन के, सरकारों के, वो धरे के धरे रह जाते हैं, और प्रशासन की पूरी जो पोल है वो खुल जाती है। किस तरीके से लोग अपना रास्ता खुद बनाने पर मजबूर है वो तस्वीरों में बयां हो रहा है। और ये देखिए किस तरीके से मोटर बाइक के थ्रू ये जो दो लोग हैं, जो दो युवक हैं, वो पानी के सैलाब में बह जाते हैं, वो भी साफ तौर पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं कि किस तरीके से जो मूसलाधार बारिश है, बाढ़ है, तो इस पर प्रशासन की कोई भी तैयारी नहीं है, सरकार की कोई भी तैयारी नहीं है, जिसके कारण जो ग्रामीण है वो खुद ही मलबा हटाने में जुटे हैं, खुद ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उन लोगों को। तो ये जो मलबा है भारी बारिश के कारण जो जमा हुआ है, इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो भारी बारिश के चलते सड़क पर मलबा आ गया है,
जहां पर लोग खुद ही अपना रास्ता बना रहे हैं, मलबा हटा रहे हैं, पत्थर हटा रहे हैं, किस तरीके से लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कब ये जो रास्ता है वो साफ होगा। और यहां पर कुछ महिलाएं देखी जा सकती हैं स्क्रीन पर, हम आपको लगातार ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर गाड़ियां फंसी हुई हैं, मोटर बाइक। हमने इससे पहले आपको तस्वीर दिखाई कि दो युवक जो हैं वो मोटर बाइक पर बाढ़ में बह जाते हैं, पानी में मूसलाधार जो बारिश के कारण जो पानी जमा हुआ है उसमें बह जाते हैं। तो ये काफी गंभीर सवाल खड़े करता है प्रशासन पर, सरकार पर, कि आखिरकार सरकार और प्रशासन कर क्या रहे हैं, आखिरकार क्यों ये बार बार लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दो तस्वीरें फिर से हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर महिलाएं कुछ बैठी हुई हैं, शायद इंतजार है कि कब ये चीजें, कब स्थिति बेहतर होगी, कब ये स्थिति सामान्य होगी। और वहीं दूसरी तस्वीर जिसमें दो युवक बहते हुए मोटरसाइकिल के साथ बहते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये गंभीर परिस्थिति पैदा हो जाती है जब प्रशासन और जब सरकार लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं। और कुछ भी, जब लोगों को ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो प्रशासन बिल्कुल चुप्पी साध लेता है, मौन साध लेता है। तेरे मेरे दिल पर ताला, राम करे ये ताला जाए, वाहिद के घर दीप जले तो मंदिर तक उजाला जाए। जी हाँ, कुछ ऐसा ही नजारा और ऐसा ही कुछ मंजर देखने को मिल रहा है तब जब भगवान श्री कृष्ण का उत्सव यानी महोत्सव जन्माष्टमी पास में है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में अब चंद ही दिन बाकी रह गए हैं। देश और दुनिया के लोग अपने कृष्ण कन्हैया के श्रृंगार की तैयारियों में जुट गए हैं। ठाकुर जी के लिए नई पोशाक, नए कपड़े, मुकुट, बिछौना खरीदे जा रहे हैं। लेकिन आपको जानकर बेहद हैरानी सकती है कि भगवान श्री कृष्ण की साज सज्जा के लिए बनने वाले अधिकतर सामान मुस्लिम भाई, जी हां, मुस्लिम भाई तैयार करते हैं। तो इस हिंदू मुस्लिम एकता पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मैं मुस्लिम हूं, तू हिंदू है दोनों इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूं, तू पढ़ ले कुरान। अपने तो दिल में है दोस्त बस एक ही है अरमान, एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान। आप सोच रहे होंगे कि ये पंक्तियाँ हम आपको क्यों सुना रहे हैं। दरअसल देश में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आने वाला है, उसके पहले देश में उत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन इस बार 31 अगस्त को किया जाएगा। श्री कृष्ण जन्मोत्सव को भव्य और दिव्य बनाने के लिए प्रशासनिक अमले के साथ साथ स्थानीय कारीगर महीने भर पहले से तैयारियों में जुट जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भगवान कृष्ण की साज सज्जा और उनके स्वरूपों के लिए कपड़े, मुकुट और हार आगरा में कई सालों से बनाए जा रहे हैं, जिनको मुस्लिम भाई तैयार करते हैं। आगरा में मुगल कालीन जरदोजी का काम मुस्लिम कारीगर करते आए हैं। इसी जरदोजी के काम से कन्हैया जी के श्रृंगार को तैयार किया जाता है। कन्हैया जी के सर पर शोभा बढ़ाने वाला मुकुट हो या पोशाक, सब कुछ यहाँ तैयार किया जाता है। आगरा के स्मार्ट सिटी सेंटर की तरफ से चलाए जा रहे इस माइक्रो स्किल डेवलपमेंट सेंटर पर क्षेत्रीय मुस्लिम युवक रात और दिन ये काम करते हैं। मुस्लिम कारीगरों का कहना है कि लाल के सिर पर पगड़ी और मुकुट को सजाने में कोई कमी न रह जाए, इसीलिए यहाँ रात दिन काम हो रहा है। खास बात तो ये है कि मुकुट और पोशाकों को तैयार करने में किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, बल्कि हाथ से ही सजाया जा रहा है। उनका कहना है कि उन्हें बड़ी खुशी मिलती है कि वो मुस्लिम होकर हिंदू त्योहार पर अपना योगदान दे रहे हैं। हमारे प्यार और आदर के साथ भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाया और इससे पहले भी हमने रक्षाबंधन किया, उसमें राखी बनाई। कितनी मेहनत लगती है, क्या क्या मटेरियल लगता है इसमें? मटेरियल तो रेशम का धागा लगता है, कॉपर का तार लगता है इसमें, और भी कई तरीके के स्टोन वगैरह होते हैं।
एक कारीगर ने बताया कि मुकुट में पकड़ी नगीने, कांच, मोती, माला, वंशी, हार, मोरपंख समेत अन्य सामान से सजाया जा रहा है। इसमें किसी भी तरह की मशीन की मदद नहीं ली जाती है। रेशम के धागे से छोटी छोटी सुइयों से जरी का काम होता है। ऐसे में मुकुट इतना सुंदर होगा कि जब कान्हा के सर पर सजेगा और रात में रोशनी पड़ेगी तो लोगों की नजरें नहीं हटेंगी। कुछ कारीगरों के अनुसार वो पिछले कई सालों से मुकुट और पोशाक बनाने का काम कर रहे हैं। यहाँ छोटे बड़े हर तरह के मुकुट तैयार होते हैं। इनकी कीमत 20 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक तय की गई है। और इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कन्हैया के सर पर सजने वाले 16 इंच के मुकुट बनाने का ऑर्डर भी मिला है। सभी को पता है कि अभी जन्माष्टमी का त्यौहार आने वाला है और जन्माष्टमी के लिए ये यहाँ के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, हमारे जो भाई लोग हैं, ये जन्माष्टमी के लिए श्री कृष्ण जी, बलराम जी और उनके लिए पोशाक बना रहे हैं, मुकुट बना रहे हैं और जो उनको पहना सजाने के लिए जो हार हैं उन सब की तैयारी कर रही है, जो कि चरदोजी आर्ट के माध्यम से ये तैयार किया जा रहा है। देखिए, ये एक आपसी प्रेम का, सौहार्द का संदेश है। ये जो ताजगंज, जो हमारा जो क्षेत्र है आगरा शहर में, ये यहाँ हिंदू मुस्लिम सब बहुत प्यार से सारे त्यौहार मनाते हैं, चाहे वो ईद हो, चाहे कोई सा भी त्यौहार, होली हो, दिवाली हो, सब मिलजुल के मनाते हैं। तो ये आपसी प्रेम का सौहार्द एक संदेश दे रहे हैं कि हमारे जितने भी क्षेत्र हैं, जितने ब्रज क्षेत्र है, ब्रज क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इस त्यौहार को अच्छे से मनाया जाता है। इवन ये पूरे भारत में जो त्यौहार मनाया जाता है, उसके लिए यहाँ से सारे जो डिज़ाइन हैं, मुकुट उकुट सब आगरा क्षेत्र से ही बनते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करते ये मुस्लिम कारीगर कन्हैया जी के साथ सज्जा के लिए हर साल तैयार रहते हैं। वाकई सौहार्द किसे कहते हैं, भाईचारा किसे कहते हैं, वो इन लोगों से सीखना चाहिए। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए आगरा से राजकुमार तिवारी की रिपोर्ट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ, ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता राजकुमार तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजकुमार, आपसे जानकारी चाहूंगी कि इस वक्त आपने देखा होगा, आपने जायजा लिया होगा बाजारों का, तो इस वक्त बाजारों में क्या कुछ रौनक है जन्माष्टमी को लेकर? तो मुस्लिम जो मुस्लिम भाई हैं वो तैयारियां कर रहे हैं जन्माष्टमी की। हिंदू मुस्लिम एकता की जो अनूठी मिसाल है वो यहाँ पर पेश की जा रही है। और मुकुट और पोशाक और तरीके के जो सामान हैं, हर तरह के जो सामान हैं, वो श्री कृष्ण भगवान के लिए बनाए जा रहे हैं। जन्माष्टमी के चंद ही दिन बाकी रह गए हैं और जन्माष्टमी आते आते बाजारों में ये अनूठी जो एकता है मुस्लिम भाई और हिंदू भाई के बीच की, ये देखी जा सकती है। किस तरीके से तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि किस तरीके से जो कारीगर हैं, मुस्लिम कारीगर हैं, वो मुकुट बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हाथ से वो सामान बना रहे हैं, किसी भी मशीन का या फिर किसी भी इक्विपमेंट का कोई भी इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। हाथों से बुनाई कर रहे हैं, यानी कि पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ श्री कृष्ण भगवान के ये जो सामान है, ये मुकुट है, पोशाक है, तमाम जो चीज़ें हैं वो तैयार की जा रही हैं। तो जन्मोत्सव की तैयारी जोरों पर है बाजारों में। और मुस्लिम भाई किस तरीके से, क्योंकि खास तौर पर यही चीज़ें सामने आती हैं कि मुस्लिम भाई जो हैं, जो मुस्लिम कारीगर हैं, वो किस तरीके से मुकुट तैयार कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की पोशाक, उनके कपड़े तैयार कर रहे हैं ताकि उनको सजाया जा सके। और जब ये मुकुट भगवान श्री कृष्ण के माथे पर सजेगा, उनके सिर पर सजेगा, तो वाकई में शोभायमान रहेगा। और राजकुमार तिवारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ, ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, आपसे जानकारी चाहूंगी कि इस वक्त जो बाजारों का आपने जायजा लिया होगा, बाजारों में आप गए होंगे, तो क्या कुछ स्थिति है, क्या कितना, क्या कुछ नया और किस तरह की रौनक आपको बाजारों में देखने को मिल रही है जन्माष्टमी को लेकर? जी मनीषा, मैं आपको बता दूं, 31 तारीख को भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है, जिसमें आगरा में कई जगह पर मुस्लिम लोगों द्वारा श्री कृष्ण भगवान के मुकुट, अन्य श्रृंगार की सामग्री बनाई जा रही है, जिसमें एक भाईचारे का बोध दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल, यानी कि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से मुस्लिम भाई जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण के कपड़े, मुकुटों से लेकर सारी जो सामान है भगवान श्री कृष्ण को पहनाने के लिए जन्माष्टमी के त्यौहार के दौरान, तो वो सब मुस्लिम भाई तैयार कर रहे हैं, वो भी किसी मशीन का सहारा लेकर नहीं बल्कि अपने हाथों से मेहनत कर कर। जी मनीषा, बिल्कुल ये बात सही है आपके,
मुस्लिम भाई पूरी मेहनत करके और कृष्ण जन्माष्टमी के लिए मुकट की तैयारी श्रृंगार की तैयारी कर रहे हैं और देखने के लिए देखा जाए तो मुस्लिम भाइयों का इसमें बहुत ही सहयोग है। जी मनीषा जी, राजकुमार आपसे ये भी जानकारी चाहूंगी कि बाजार में आप गए होंगे, जायजा लिया होगा दुकानों का, हर तरह का बाजार का, तो क्या लगता है कि दाम क्या हो सकते हैं इन मुकुट के, इन पोशाक के, जो मुस्लिम भाई जो तैयार कर रहे हैं उनके बाजारों में दाम क्या हो सकते हैं? देखिए मुस्लिम भाई ना जो मुकुट और वो श्रृंगार का सामान तैयार किया गया है बिल्कुल, इसमें दाम की तो अभी रेट नहीं खुला है उनका, मगर जो है कि जो भी सामग्री तैयार की गई है वो बहुत अच्छी है और ये भी देखने को मिल रहा है कि मुस्लिम भाई कृष्ण भगवान की सामग्री को तैयार कर रहे हैं। जी, और राजकुमार आपसे ये भी जानकारी चाहूंगी कि देखिए किस तरीके से अनूठी मिसाल जो है वो पेश की जा रही है, मुस्लिम कारीगर जो हैं वो तैयार कर रहे हैं सामान, वो भी किसी मशीन का इस्तेमाल कर नहीं, अपने हाथों से बुनाई कर रहे हैं, तस्वीरों में हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, तो ऐसे में क्या माना जाए कि समाज में एक पॉजिटिव धार्मिक मैसेज जा रहा है? जी बिल्कुल, इससे समाज में बहुत ही अच्छा मैसेज जाएगा, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदुओं का मैसेज जाएगा इसमें और बहुत ही अच्छा है ये। जी राजकुमार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। तो बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है और मुस्लिम कारीगर किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण को पहनाने के लिए जन्माष्टमी के दौरान ये मुकुट और पोशाक और कपड़े तैयार कर रहे हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा अनोखा एक नज़ारा है, जहाँ पर मुस्लिम भाई और हिंदू भाई की जो एकता है, अनूठी एकता है, वो दर्शाता है। उसका उदाहरण ये साफ तौर पर देखा जाता है जहाँ पर हाथों से अपनी मेहनत की जा रही है ताकि भगवान श्री कृष्ण को वो कपड़े पहनाए जा सके, उनके सिर पर वो मुकुट सजाया जा सके, तो अनूठी एकता का जो यहाँ पर उदाहरण है वो देखा जा सकता है। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल यहाँ पर पेश की जा रही है और किस तरीके से ये जो मुस्लिम कारीगर हैं, मुस्लिम भाई हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के लिए खुद से सामान अपने हाथों से बुनाई कर तैयार कर रहे हैं, मुकुट तैयार कर रहे हैं, पोशाक कपड़े तमाम जो चीज़ें हैं उनको पहनाए जाने वाली वो तैयार कर रही हैं, तो ये काफ़ी अद्भुत और अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है। समाज में भी पॉजिटिव धार्मिक एक मैसेज जा रहा है कि किस तरीके से ये जो मुस्लिम कारीगर हैं वो भगवान श्री कृष्ण के कपड़ों को, उनके मुकुट को, उनकी पोशाक को तैयार कर रहे हैं जन्माष्टमी के लिए। और वहीं दूसरी तरफ केरल की बात की जाए तो केरल में कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। राज्य में बुधवार को 3 महीने के बाद एक ही दिन में कोरोना वायरस के 30,000 से भी मामला सामने आए हैं। इसके बाद संक्रमण दर बढ़कर 19% हो गया है। वहीं केरल में शनिवार को 17,106 और रविवार को 10,402 और वहीं सोमवार की बात की जाए तो सोमवार को 13,383 और मंगलवार को 24,296 कोरोना मामलों की पुष्टि की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार केरल में 24 घंटे में 31,445 नए मामले सामने आए हैं और इसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या जो है वो 38,83,429 बताई जा रही है। वहीं इतने ही समय में कोरोना से संक्रमित 215 मरीजों की मौत भी हो गई है। इसके बाद राज्य में मृतकों की संख्या कुल 19,972 हो गई है। इस समय राज्य में 1,70,292 मरीजों का इलाज जारी है। पिछली बार केरल में 20 मई के दिन ही संक्रमण के मामले 30,000 के पार चले गए थे और उसी दिन 30,491 नए COVID-19 यानी कोरोना के रोगियों का पता चला था। राज्य सरकार ने संक्रमण को और ज़्यादा बढ़ने से रोकने के लिए सघन स्क्रीनिंग कार्यक्रम की घोषणा की है। स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों के पूर्वानुमान जो उन्होंने अनुमान लगाया है उसको उन्होंने बताया कि ओणम त्यौहार के बाद राज्य में जाँच के मामलों में संक्रमण दर यानी TPR 20% से ज्यादा हो सकती है और साथ ही ये भी बताया कि संक्रमण के मामले भी बढ़ सकते हैं, तो एक दिन में 31,000 से ज्यादा केरल में ये मामले सामने आए हैं। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।